ठीक है, तो हमारा अब का टॉपिक है हाउ वेबसाइट वर्क, वेबसाइट किस तरह से इंटरनेट पे वर्क करती है। तो वेबसाइट को आप लोगों ने ये चीज़ें पहले भी पढ़ी होंगी कि हमारे पास एक क्लाइंट होता है, एक सर्वर होता है। क्लाइंट सिस्टम क्या होता है, जो मेरा सिस्टम है, अगर मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, कोई भी ब्राउजर कुछ भी यूज़ कर रहा हूँ, तो वो क्या है, क्लाइंट है। मैंने क्लाइंट पर लिखा www.google.com, अब वो जाएगा सर्वर के पास, और गूगल सर्वर के अंदर गूगल की एक आईपी एड्रेस होती है, ठीक है। गूगल वेबसाइट की क्या होती है, आईपी, तो आईपी एड्रेस से उसे आइडेंटिफाई किया जा रहा होता है, तो वो गूगल के आईपी पे जाएगा, और फिर उसको रिस्पॉन्स में हमें रिस्पॉन्स आएगा, और रिस्पॉन्स किस में आएगा, HTML CSS जावास्क्रिप्ट में। तो जो हमारे ब्राउज़र की लैंग्वेज है वो कौन सी, ब्राउज़र किन तीन चीज़ों को समझता है, तो हमें इस सूरत में क्या चाहिए होता है, रिस्पॉन्स। और सर्वर कहाँ से रिस्पॉन्स करके दे रहा होता है, सर्वर बैकएंड को यूज़ करते हुए हम इस तरह का रिस्पॉन्स क्रिएट करके दे रहा होता है। जिस तरह से मैंने कहा कि जिस तरह से मैंने एक वेबसाइट खोल ली, फेसबुक या कुछ भी वेबसाइट खोल ली, तो वो कहाँ पर जाएगा, इंडेक्स डॉट पी एच पी के पेज पे चला जाएगा। इंडेक्स डॉट पी एच पी में क्या लिखा हुआ है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट हम लोगों ने यूज़ किया है। तो वो फर्स्ट जब भी मैंने लिखा facebook.com, तो facebook.com खुद ब खुद उसकी आईपी गया, उससे उसे पता कि पहला पेज मैंने इंडेक्स का दिखाना है, तो वो इंडेक्स के पेज पे गया, सर्वर से उसने इंडेक्स का भेज दिया और आपको रिस्पॉन्स में वापस भेज दिया। तो हमारा क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है और सर्वर से उस पर रिस्पॉन्ड करता है, तो हमारी वेबसाइट इस तरह से बनती है, मतलब इस तरह से वर्क करती है। अब क्लाइंट साइड का होती है, सर्वर साइड का होती है। क्लाइंट साइड में हमारे पास ये लैंग्वेज आ जाती है, HTML CSS JavaScript, यानी कि जो ब्राउज़र की लैंग्वेज है वो कौन सी लैंग्वेज है, क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, और इसे क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग भी कहते हैं। इसमें जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है, जावास्क्रिप्ट कौन सी स्क्रिप्टिंग में यूज़ होती है, क्लाइंट साइड, और बैकेंड स्क्रिप्टिंग में हम लोग PHP को यूज़ करते हैं, और नोड जीएस को यूज़ कर लेते हैं, और हम लोग रेल्स वगैरह को, इसे लारावेल तो PHP का फ्रेमवर्क है ना, तो PHP का फिर आगे फ्रेमवर्क, आप फ्रेमवर्क से अच्छा कोर तो ही है ना। अब मैं SAS यूज़ करूँ या CSS यूज़ करूँ, नाम में तो नाम तो CSS ही है ना उसका, इस तरह PHP को हम लोग यूज़ करते हैं उसके बैकएंड स्क्रिप्टिंग के लिए। इस तरह और भी लैंग्वेज हैं, पाइथन भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारे पास छोटा सा फ़र्क था कि हाउ वेबसाइट वर्क्स, और क्लाइंट साइड में सर्वर साइड में क्या फ़र्क है।